हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमेया खान ब्लॉग्स। सो एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कलेक्शन लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं अपने लिए शूज़ खरीदने आई हूँ और शूज़ मैंने ख़रीदे हैं पूमा के स्टोर से। तो फाइनली मैं पूमा आई हूँ और पूमा के इस आउटलेट पर मैं कुछ शूज़ पसंद कर रही हूँ अपने लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी दिवाली का डिस्काउंट है तो पूमा और भी काफ़ी सारे आउटलेट ब्रांड में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो शूज़। सो फाइनली मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। सो मेरी लोकेशन है कापा सेडा गुड़गांव पे। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स मिलेंगे, अप्रोक्स 4 to 5 आउटलेट्स मिलेंगे। सो आज मैं आई हूँ यहाँ पर शूज़ ख़रीदने के लिए। सो पहले भी मैं यहाँ से शूज़ लेके गई हूँ, एक मेरे को काफ़ी पसंद आए थे तो मैं आज भी लेने आई हूँ। तो जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे को यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे प्राइस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 12,000, 8,000, 10,000, इससे कम में बिल्कुल कोई दिख ही नहीं रहा शूज़। बट मैं आपको बता देती हूँ, उनके पास बहुत सारी वैरायटी हैं और आउटलेट्स में आने का यही बेनिफिट है कि आपको कपड़े और शूज़ कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, वो भी बहुत सारा कलेक्शन के साथ। तो आप भी विजिट कर सकते हो पूमा का स्टोर। तो फाइनली मैं भी ढूंढ रही हूँ अपने लिए पूमा के शूज़। पहले तो मेरा नंबर है 7 और 7 नंबर में जल्दी कोई कलेक्शन मिलता नहीं, और फिर कुछ मिल भी जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव मिलता है। अब आप देखो, 9,000 के शूज़ डिस्काउंट में आपको 4,000 के मिलने वाले हैं। इसी तरीके के आपको जो भी तरीके के शूज़ चाहिए वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो मैं भी देख ही रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे को भी ख़रीदने हैं। और मेरे को ना ये नाइट्रो करके जो लिखा हुआ है ना, इस टाइप के शूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये इतने ज़्यादा महंगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नाइट्रो वाले जितने भी शूज़ मैंने यहाँ पे देखे हैं और अपने लिए पसंद करे हैं, वो सारे 9,000 अबव हैं। कोई 12,000 हैं, कोई 14,000, तो कोई 15,000। और इतने महंगे जूते तो मैंने देखे भी नहीं, इतने जूते यहाँ पे महंगे मिल रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो आप भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो और काफ़ी अच्छा कलेक्शन परचेज कर सकते हो। देखियो, टी शर्ट में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। इसके अलावा पूमा का सारा आउटलेट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मैंने ना तसल्ली से अपना पर्स रख दिया है और अब मैं शांति से अपने लिए कुछ पसंद कर रही हूँ। जूतों से निगाह हटी तो मैंने ये टी शर्ट भी देख ली। अब मैंने सोचा अगर मैं टी शर्ट वगैरह देखने लगी तो मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा देती हूँ पूमा का कलेक्शन। तो ये टी शर्ट आपको मिलने वाली है ओनली 499 रुपीज़ में, मतलब 500 की एक टी शर्ट है। काफ़ी अच्छा इनका कपड़ा है। इसके अलावा इनके पास टी शर्ट्स मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स का ओवरऑल सारा कलेक्शन मिल जाएगा आपको। ये सेक्शन ओनली शूज़ का है तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े से कपड़े कम मिल रहे हैं देखने को। अगर आप नीचे वाले कलेक्शन में जाओगे तो वहाँ ओनली आपको कलेक्शन मिलेगा कपड़ों का, और कुछ कलेक्शन मिलेगा आपको जेंट्स के जूतों का। सो फिलहाल मैं अभी लेडीज़ सेक्शन में हूँ, यहाँ पर लेडीज़ शूज़ मिलते हैं। तो काफ़ी देर हो गई शूज़ देखते देखते, भैया भी कह रहे थे मैडम आप जो पसंद कर रही हो वो महंगे ही हैं। तो काफ़ी महंगे मेरे को लग रहे हैं और मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक मैं यहाँ से नहीं ख़रीद पाऊँगी क्योंकि जिस हिसाब की यहाँ महंगाई लग रही है मेरे को, लेकिन कुछ और भी देख लेते हैं। सो ये स्टैचू भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे, और साथ ही ये चप्पल देख लेते हैं कितनी महंगी है। ये चप्पल मेरे को अच्छी लग रही है, काफ़ी कम्फर्टेबल भी हैं। तो इनके चप्पल के प्राइस भी 2300 रुपये थे। इतने में तो मैं जूते ख़रीद लूँगी जितने की चप्पल है। देखिए इस चप्पल के भी कुछ ऐसे प्राइस हैं, बट इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यू नो, आपको पता ही है कि ब्रांड तो ब्रांड ही है भाई। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो अगर आप अफोर्डेबल शॉपिंग आपके बजट के अकॉर्डिंग है तो। मैं अपने लिए शूज़ लेने आई हूँ गाइस, मेरे को बताऊँ मेरे लिए शूज़ कौन से बेस्ट हैं। एक मेरे को ये वाले पसंद आए हैं पूमा के, दिस वन अमेजिंग शूज़ कलेक्शन। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो में बने रहना। यहाँ शूज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए काफ़ी अच्छा सीज़न लगा हुआ है। इसके साथ ही मेरे को ये व्हाइट वाला पसंद आ गया है।
सो इस टाइप का वाइट शूज़ भी मेरे को अच्छे लगे, बट ये मेरे को इस टाइप के पसंद नहीं है। सो फाइनली आई थिंक सो मेरा है टाइम ओवर हो चुका है और अब मैं नहीं देखना चाहती, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे शूज़ हैं कि मुझे अपनी गरीबी नज़र आ रही है। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ सेकेंड स्टोर में। मैं अब सेकेंड स्टोर को विजिट कर ली थी क्योंकि दिवाली का सीज़न है, तो दिवाली पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी है और आप लोगों को ये दिखाना भी था मेरे को कि क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है। एक्चुअली मैं आपको मार्केट तो विजिट कराती रहती हूँ, अब मैं जा रही हूँ सेकेंड स्टोर में, तो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या ख़रीदना है, फिर क्या परचेज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को ख़रीदनी है और आज मैं बहुत टाइम बाद गुड़गांव आई हूँ और गुड़गांव से मेरा बहुत ही अच्छा नाता है क्योंकि मैं गुड़गांव काफ़ी टाइम आती जाती रहती हूँ, मेरा ऑफिस का भी काफ़ी काम रहता है। सो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप गुड़गांव में कौन सी जगह घूमे हो। सो मैं अब आ चुकी हूँ स्केचर के शोरूम में। फाइनली मैंने शूज़ परचेज़ कर लिए हैं, मैं रेड टेप और स्केचर्स में भी साथ के साथ घूम ली हूँ और फिर मैंने ये परचेज़ कर लिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने परचेज़ करी है रेड टेप से क्योंकि वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। आप मेरे बैक साइड में भी देखोगे तो 70% का ऑफर चल रहा है। तो गाइज़ आप फटाफट से जाइए और किसी भी आउटलेट पे आप परचेज़ कर सकते हो, हर जगह आपको 50-70% तक का ऑफ़र मिल जाएगा और ये ऑफ़र अनलिमिटेड नहीं है, ओनली दिवाली तक है। तो फटाफट से आप अपने नियर बाई किसी भी स्टोर में या आउटलेट में जाके परचेज कर सकते हैं। तो मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है गाइस। सो यहाँ देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे आउटलेट्स हैं। सो गाइस मेरे पास अभी टाइम है और अभी कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कहीं और भी घूम लूँ। तो चलिए हम घूम लेते हैं कहीं, और अब मैं जा रही हूँ सेक्टर 21। सो मैं आ चुकी हूँ पैसिफिक मॉल में और इस मॉल में काफ़ी अच्छी प्यारी सी मूर्ति बनी थी जो मेरे को अमेजिंग लगी। इसके साथ ही मैंने सोचा पैसिफिक मॉल से आखिर क्या खरीदा जाए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ पैसिफिक मॉल में काफ़ी अच्छे अच्छे शॉपिंग स्टोर हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जूडियो पसंद कर जाऊँ क्योंकि जूडियो है लड़कियों की फर्स्ट चॉइस और मेरी भी। तो जूडियो चलिए विजिट कर लेते हैं और जूडियो में क्या कलेक्शन आया हुआ है कुछ पसंद कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी है और कुछ पैसे भी बच गए हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे विंटर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यहाँ देखिए आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वन पीस ड्रेस मिल जाएंगी, शर्ट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ जितना भी कलेक्शन दिख रहा है वो ओनली 499 और 599 रुपीज़ तक की रेंज में है। और ये कुछ इस तरीके का मेरा आउटफिट है, ये जो मैंने अपनी ड्रेस पहन रखी है ये भी मैंने जूडियो से ही परचेज़ की थी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक मेरा इसमें लग रहा है गाइस। तो आप भी जूडियो में आ सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और मैंने आपको जूडियो को काफ़ी सारी वैरायटीज भी दिखाई हैं। अगर आपको ब्रा कलेक्शन में देखना है तो आप ये देखिए 399 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगी, काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं और कम्फर्टेबल भी हैं। क्योंकि मेरे सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को बोलते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये कलेक्शन भी दिखा दूँ। तो 499 रुपीज़ में आपको कुछ इस तरीके का कलेक्शन मिलेगा, काफ़ी अच्छी इनके पास परचेजिंग है और आप 399 रुपीज़ से 499 रुपीज़ के कलेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ आपको 249 रुपीज़ में पैंटीज वगैरह मिल जाएंगी और यहाँ आपको टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी ओनली 249 रुपीज़ में। और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे काफ़ी बड़ा कलेक्शन है और ये मैं हूँ, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बार बार देखती रहती हूँ ताकि मेरे अंदर एक जुनून सा रहता है। सो गाइज़ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने वीडियो से रिलेटेड अपडेट रहती हूँ गाइज़। और दिवाली का कलेक्शन है तो दिवाली का कलेक्शन देखना तो बिल्कुल बनता है, और आप भी आओ फटाफट से और शॉपिंग कर लो जूडियो से, आपका जो भी नियर बाई स्टोर है जूडियो। तो अगर आपने मेरा लास्ट जूडियो का ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ से ये ओनली 200 रुपीज़ में, मतलब 199 रुपीज़ में ये टी शर्ट खरीदी थी जूडियो से, जो मेरा लास्ट ब्लॉग है उसमें आपने देखा होगा जूडियो में। तो मैंने ये टी शर्ट आज पहन ली है क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी और मेरे को थोड़े से ऐसे कपड़े चाहिए थे। सो फाइनली शूज़ वगैरह की शॉपिंग कर ली है और अपनी टी शर्ट भी चेंज कर ली है और यहाँ पे ही है जिस मेट्रो स्टेशन
अब इस मेट्रो स्टेशन से मेरे को बाहर जाना है, अंदर जाना है सॉरी। सो मैं पहले यहाँ से न्यू दिल्ली के लिए लूँगी एयरलाइंस मेट्रो, एयरलाइंस मेट्रो न्यू दिल्ली मेरे को उतारेगी, फिर मैं वहाँ से लूँगी राजीव चौक से ब्लू लाइन मतलब बोटेनिकल, और फिर बोटेनिकल से मैं अपने घर जाऊँगी। तो जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कॉर्नेटो की एक कोन खा ही लें। ऐसे मैं आपको बता दूँ बचपन से ही मेरे को कोन बहुत पसंद है और चॉकलेट्स भी बहुत, तो आप लोग मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। सो फाइनली फटाफट से आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और गुड़गांव से बोटेनिकल तक जाना काफ़ी डिस्टेंस तो है ही। तो मैंने टिकट ले लिया है बोटेनिकल का, ये देखिए एयरलाइंस मेट्रो का, क्योंकि एयरलाइंस मेरे को काफ़ी कम टाइम में पहुंचा देगी और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए। सो फाइनली बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।